बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुल्क भर से हम खबरें शामिल करने जा रहे हैं। आगाज़ आज हम करेंगे शहर कसूर से, जहां पर पुलिस में तब्दीली की लहर नज़र आ रही है। 49 पुलिस अफसरों और अहलकारों को सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं। करप्शन, इख्तियारात तजावुज़, प्राइवेट गनमैन रखने और जालसाजी पर इन पुलिस अहलकारों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। किन किन पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और क्या मालूमात है, इससे मुतालिक जानेंगे। हमारे साथ होंगे सईद अहमद भट्टी, हम उनसे मालूमात हासिल कर लेते हैं। सईद, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, DPO कसूर ज़ाहर नवाज मरवत ने करप्शन, इख्तियार से तजावज, प्राइवेट गन में रखने और जेल साजी, कब्जा ग्रुपों की पुश्त पनाही करने वाले शराब नोशी और जेल साजी जैसे संगीन इल्जाम साबित होने पर 13 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त होने वालों में सब इंस्पेक्टर राहिल खान, ASI तहर सेल और कांस्टेबल फराज नवाज शामिल है। इसके अलावा 150 एहलकारों को मुअत्तल किया है, जबकि 31 पुलिस एहलकारों को इनके अहदों से तंजली और सर्वस जब्तगी जैसे सख्त सजाएं दे दी है। जी ठीक है, सईद अहमद भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे शहर कसूर से। नाज़रीन, कसूर की सूरत हाल थी जो कि हमने आपके सामने रखी, जहाँ पर करप्शन, तजावजात के जो इख्तियारात से तजावजात थे वो प्राइवेट गनमैन रखने पर जो सूरत हाल है उस पर जो है 49 पुलिस अफसरान और अहलकारों को सजाएं सुनाई गई है। ओकाड़ा नाज़रीन बात करते हैं। 3 रोज़ कबल आप सब जानते हैं कि वहाँ पर एक दरिया में कश्ती उलटने से 35 से ज़ायद अफराद जो हैं वो डूब गए थे। अभी तक 5 अफराद लापता हैं, जिनके तलाश के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। रेस्क्यू 112 के गोताखोर जो है ये ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन 5 लापता अफराद का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है। शाहिद खोखर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। शाहिद, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? हवेली लक्का के पास ये जो कश्ती डूब गई थी, जिसमें 20 इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया था कि 20 अफराद इसमें सवार थे, जिनमें से 12 को जो है वो जिंदा निकाल लिया गया था और उसके बाद जो है 8 लोगों की नाशें जो है वो निकल गई थी। उसके बाद ये जो मुकामी लोगों का ये बयान सामने आया है कि वो कहते हैं कि अभी 4 से 5 लोग मजीद जो है वो इसमें दरिया सतलज में बह गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज जो है वो इंतजामिया को ढूंढनी चाहिए। लेकिन इंतजामिया की तरफ से ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन उनके पास किसी किस्म का कोई गोताखोर टीम जो है वो साथ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इंतजामिया और ये मोहल्ले वाले लोग जो है शदीद नाला है इस बात से, और वो आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस लें और ये जो 50 से 5 अफराद अभी तक लापता है उनकी डेड बॉडीज को ढूंढा जाए। जी ठीक है, शाहिद खोखर आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया था ओकाड़ा के मकामी इलाके में, जहाँ पर अब तक 5 अफराद जो है उनकी तलाश जारी है, जो बाकी अफराद हैं उन्हें निकाल लिया गया है। 12 अफराद को मज़ीद ज़िंदा निकाल लिया गया था और सूरत हाल है कि 5 अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। घोटकी से नाज़रीन हम बात करेंगे, जहाँ पर सहराई इलाकों में आप सब जानते हैं कि जो अंदरूनी सिंध का इलाका जात है, वहाँ पर टिड्डी दल के हमले से किस कदर नुकसान पहुँचा फसलों को। अब शहरी इलाकों में ये टिड्डी दल जो है वो पहुँच चुकी है और गंदम और गन्ने की फसल समेत हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलें हैं, जहाँ पर सब्जियाँ काट गई हैं, उन्हें शदीद नुकसान वहाँ पर पहुँचा है। इंतजामिया नोटिस लेकर इस टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए फौरी स्प्रे करें, यह मुतालबा करते हैं नज़र आ रही हैं वहाँ पर किसान हजरात, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल जो है वो बन नहीं पाई है। ये नाज़रीन घोटकी से कुछ सूरत हाल थी जो कि हम आपके सामने रख रहे थे। खबर आपके सामने रखते हैं टोबा टेक सिंह से, जहाँ पर पीर महल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर 4 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गैंग उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस डकैत गैंग से क्या क्या बरामद हुआ है, इस बारे में भी कुछ सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, जहाँ मुलजिमान ने दौरान डकैती ट्रक ड्राइवर मोहम्मद सदीक को जो है वो कत्ल कर दिया था और स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पुलिस एहलकार कुछ लोगों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला असर नो दोबारा से शुरू हो जाता है। इन डाकों से 30 बोर पिस्टल, ट्रक, 37 लाख रुपये और 357 जो बोरियाँ गंदम की हैं वो बरामद हुई हैं। ये कुछ सूरत हाल है टोबा टेक सिंह से,
जो कि हम आपके सामने रख रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैकबाबाद से, जहाँ पर जैकबाबाद में महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है। रमज़ान उबड़ो हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। रमज़ान उबड़ो, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की सब्ज़ी मार्केट में। जैसा कि आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो जैकबाबाद में भी मुल्क दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी जो है महंगाई के तूफान ने जो है आवाम का जीना जो है दोपहर कर दिया है। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं बड़ी तादाद में, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी आप हमें बताएं कि इतनी बड़ी महंगाई, टमाटर जो है वो मिल ही नहीं रहा, और क्या कहेंगे जो 300-400 रुपये डेली लोग कमाते हैं तो वो क्या खाएँगे? सर मसला ये है कि महंगाई की जो वजह है वो सारा चक्कर होता है गवर्नमेंट का। जो हमारी गवर्नमेंट जो मुनसलिक की गई है वो गवर्नमेंट की उनकी पॉलिसी उनको खुद को मालूम नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर एक बात करते हैं, उनके मिनिस्टर एक बात करते हैं, मुशीर एक बात करते हैं, किसी चीज़ में कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात पर अमल ही ना करूँ तो ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकेगी ना। और वहाँ फ़ायदा होता है जहाँ कोई अवामी लोग होते हैं वहाँ फायदा है। अभी यह जो गवर्नमेंट बैठी है वो अवामी लोग हैं नहीं, उनको क्या मालूम कि भाई मैं एक गरीब 400 रुपये कमाता हूँ मेरी क्या तकलीफ़ है। वो बंगलों में रहने वाले उनको क्या मालूम, उनके 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 लाख रुपये उनकी पे मुशीरों की, उनको मालूम तो नहीं है ना। ये जैकबाबाद एक गरीब इलाका है, सिंध और बलूचिस्तान की बॉर्डर पर है। यह तकरीबन गड़ागाड़े वाला रक्शे वाला जो 200-300-400 रोज कमाता है। अभी सब्जी की महंगाई की आप बात करें, सब्जी वाले को कोई कसूर नहीं है। मुल्क में सब्जी का बहुत बहरान है, खाद महंगी है, जहर महंगा है, और ज़मींदार बिल्कुल उनके जो निकल गए हैं, ला निकल गए हैं कि वो कैसे फसल करें। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो इमरान का हुकूमत जो आया है इसने तो हमारे को जीना हराम कर दिया। ना खाने पीने का शय इतना महंगा हो गया है तो हम कोई गरीब आदमी ले ही नहीं सकता है। ये देखो प्याज देखो, आलू देखो, मटर देखो, कोई भी कुछ भी नहीं ले सकता है। इनकी वजह ये है कि ये जो इसका जो हुकूमत का ये है उसको भी पता नहीं है कि कैसे हुकूमत चलाना है, कैसे करना है, उसको यही पता नहीं है। हम पुरजोर अपील करते हैं कि इस महंगाई के वजह से हमारे जो गरीब मिस्कीन आदमी हैं, हम भी मिस्कीन हैं, गरीब मजदूर हैं, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आला अख्तियार से हम अपील करते हैं कि इस महंगाई से कुछ ना कुछ उनसे फ़ायदा हो। जैसा कि आपने शहरों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। और यहाँ पर जो है टमाटर की कीमत जो है तकरीबन 300-400 रुपये किलो टमाटर यहाँ पर बिक रहे हैं, और ये सब्ज़ी जो है वो भी गरीब आदमी के पहुँच से जो है दूर जा चुकी है। इसीलिए उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ज़िले इंतजामिया। ठीक है रमज़ान उबड़ो, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बता रहे थे। इस्लामाबाद आपको ले चले कि नाज़रीन बहराज, जहाँ पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मज़ीद नीचे जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ इस अल्टरनेट एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ फ़ायदा क्या होगा? ये जो तवानाई का जरिया है इस पर शमसी तवानाई है, इसमें हवा की तवानाई है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें बगास है, और इसके साथ साथ ये वो जराए हैं जो कि आपके सस्ती बिजली है, ये आपकी साफ बिजली है, इसके साथ साथ ये एनर्जी आपकी ग्रीन एनर्जी है, यानी कि एनवायरमेंटली और माहौलियात दोस्त एनर्जी है। इस पे टारगेट हमारा ये है कि सन 2025 तक इंशाल्लाह ताला 8000 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान में लगेगी, और 2030 तक हमारा हदफ जो है कि कम से कम 20000 मेगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में लगेगी, 20000 मेगावाट। और हमारा ये भी हदफ है कि ये सिर्फ आपकी ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, इस पे आपका पन बिजली या हाइडल एनर्जी नहीं शामिल, वो आप शामिल करें तो 2030 तक हमारा हदफ ये है कि पाकिस्तान में बिजली के जराए जिनसे बिजली बनेगी वो तकरीबन 60-65% हमारा क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा ख्वातीन हज़रात के पाकिस्तान में, जो एक मुल्क का, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं, कहते हैं जी एक मुल्क का आप बैरोमीटर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। उस पर हमें खासी कमी उसमें आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से ज़राए मुबादला महंगा ईंधन के जरिए बिजली बनाने का हमें जरा मुबादला नहीं बाहर जाएगा, हमारी अपनी मुल्क के अंदर जो एनर्जी होगी जराए होंगे वो हमारे मुल्क के अंदर ही होंगे।
اس کے ساتھ تقویت کس کو ملے گی؟ آپ کا آپ کی انڈسٹری کو تقویت ملے گی، آپ کا آپ کی صنعتی کاروبار میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بوسٹ ملے گا، اس کے ساتھ آپ کو جو ذرائع ہیں ملازمتوں کے ذرائع اس پہ بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، جاب کریشن ہوگی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ اس فیلڈ میں جو آپ کی آلٹرنیٹ انرجی کی فیلڈ میں جنریشن کے جو مواقع ہیں وہ تقریباً $40 ارب کے ہیں خواتین و حضرات۔ تو جو لوگ باہر ہمارے اپوزیشن پارٹیوں کے بارے میں کے ہوئے وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا، تو وہ ان کے سامنے ہم لوگ یہی چیز پیش کر رہے ہیں کہ $40 ارب کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹی پاکستان میں موجود ہیں انرجی جنریشن، صرف رینیوبل کی بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً $700 ملین ابھی سے 12 ونڈ پاور پروجیکٹ کا جن کا فائنینشیل کلوز ہو گیا وہ آنا بھی شروع ہو گیا، وہ ابھی شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ پہلے قطرے جو ہیں بارش انویسٹمنٹ کے آنے کے وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سولر پینلز اور آپ کی جو ونڈ ٹربائنز ہیں وہ کمپنی جو ہے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اپنی پاکستان میں لگانے کا انہوں نے ہمارے ساتھ گفت و شنید شروع بھی کر دی ہے۔ ندیم بابر صاحب سے ملے ہیں، ایک ڈینش کمپنی ہے، چائنیز ہے، جاپان کی کمپنی ہے، وہ مینوفیکچرنگ ہی پاکستان میں کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی انڈسٹریل بیس کو ایک بوسٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کے پاور سیکٹر کی پرفارمنس یہ ایک دوسری ہیڈ لائن ہے، ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت اہم جو پرفارمنس رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ ابھی عرفان علی صاحب سیکرٹری پاور ابھی آنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کو اور ہماری جو ٹیم ہے ندیم بابر صاحب کو، ہمارے اڈیشنل سیکرٹری وسیم مختار صاحب کو، ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحبان، ان ساروں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے خواتین و حضرات پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے ہمارے ریونیو میں، کہ ہمارا جو ریونیو ہمارا انکریز ہوا ہے وہ پچھلے سال مسلم لیگ نون کی حکومت کے مقابلے میں تقریباً یہ $229 ارب سے انکریز ہوا ہے، ₹229 ارب سے یہ انکریز ہوا ہے، اور اس پہ تقریباً ₹111 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف افیشنسی سے، چوری کی روک تھام سے، آپ کی ریکوری کی بنیادوں پہ جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ₹118 ارب جو ٹیرف ہے اس کا تھا۔ تو یہ مجموعی طور پہ آپ ریکوریز دیکھیں اور ریونیو انکریز دیکھیں تو یہ ₹229 ارب ایک ہسٹورک فگر ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے، ہم لوگ چوری پہ کنٹرول کر رہے ہیں، 80% فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں، بقیہ جو ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ اوور آل گفت و شنید ہم نے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے دوست اور اپنے کولیگ ندیم بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی جو ایکسپرٹ رائے ہے وہ دیں۔ بہت شکریہ۔ جی ندیم بابر صاحب۔ بہت شکریہ عمر بھائی، السلام علیکم سب کو۔ یہ جو ہم نے رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کل کیبنٹ نے اپروو کی ہے، میں اس میں صرف 4 میجر چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں بے شمار ہم نے نئی چیزیں شامل کی ہیں، لیکن 4 اہم ترین باتیں میں کروں گا، لیکن وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے پالیسی ڈرافٹ کر کے تقریباً 6 مہینے اس کو پبلک فورم میں رکھا، پبلک کے ساتھ کنسلٹ کیا، سارے صوبوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسیز کے ساتھ کنسلٹ کیا، ایکسپرٹس کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور اس پروسیس میں ہمیں کئی بہت اچھی مشورے بھی ملے اور وہ ہم نے شامل کیے۔ اور ہماری آئندہ سے خواہش یہی ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی میجر پالیسیز ہوں جن کا دور رس افیکٹ ہونا ہے، ان کی ڈسیشن یا پالیسی میکنگ جو ہے وہ بند کمروں میں مت ہو، بلکہ وہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈائیلاگ پروسیس کے تھرو ہو۔ تو یہ کہنے کے بعد میں آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا، میں صرف 4 میجر چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری رینیوبل انرجی پالیسی ہے اس میں بے شمار جدتیں ایسی ہیں، اور اس کو مجھے ہر روز کہیں نہ کہیں سے دنیا کے مختلف علاقوں سے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ کی بہت پروگریسو پالیسی ہے اور اس وقت دنیا کی ون آف دا بیسٹ پالیسیز ہیں۔
تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں بے شمار نئی چیزیں ڈالنی ہیں، لیکن صرف چار میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ ہم نے ساری پالیسی میں جو پرانا میکنزم تھا کاسٹ پلس ٹیرف کا یا اپ فرنٹ اناؤنس ٹیرف کا، وہ ختم کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت تمام چیزیں اوپن ٹرانسپیرنٹ بڈنگ ٹینڈر کے تھرو حاصل ہوں گی، جس کا لوئسٹ ٹیرف ہوگا اس کو ملے گا. دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان لائک دا تابعات میں ناظرین عمر ایوب اور ندیم بابر ناظرین پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. پروگرام میں ہم آ جاتے ہیں واپس، اور جہاں سے خبروں کا سلسلہ منقطع ہم نے کیا تھا پروگرام میں، وہیں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے راجن سانگڑھ سے، جہاں پر سبزی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہے ہیں. اشفاق چوہدری کی رپورٹ ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. زرعی ضلع ہے جہاں پر ہر سال 100,000 ہیکٹر پر ٹماٹر کی فصل کاشت کی جاتی ہے. ٹماٹر تیار ہونے کے بعد پنجاب کراچی و دیگر اضلاع کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. اس سال بھی سانگڑھ میں 100,000 ہیکٹر پر ٹماٹر کی فصل کاشت کی گئی ہے، جس کو تیار ہونے میں اب بھی 15 روز درکار ہیں، جس کی بنا پر ٹماٹر کی یہاں پر کمی واقع ہوئی ہے. اس کی بنا پر سانگڑھ کے دیگر اضلاع سے یہاں پر ٹماٹر لائے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر ٹماٹر فی کلو 300 روپیہ کلو یہاں پر فروخت ہو رہا ہے. کم مال ہی نہیں ہے پاکستان میں، پورا ہی نہیں ہو رہا. میرپور کھاد 2200-2400 کا بکرا، کیا کریں سائیں پوچھ لو. ابھی ریٹ ہی ایسا بکرا ہے، چاروں طرف ٹماٹر کم ہے، اس ہمارے وجہ سے تیز جیسے آ رہا ہے ویسے بیچ رہے ہیں. پیچھے منڈیاں تیز ہیں، کراچی پرسوں 4300 روپے کی پیٹی بکی 10 کلو کی. حکومت پاکستان نے ٹماٹر کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایران سے بڑی مقدار میں ٹماٹر منگوا لیا ہے، جو کہ پاکستان پہنچ گیا. اس ٹماٹر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جن پیٹیوں میں ان کو پیک کیا گیا ہے، اس پیکٹیوں میں 4 کلو لال جبکہ باقی ٹماٹر ہرا چھوڑ دیا گیا، جس کی بنا پر ٹماٹر کا ریٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. سارا کچا ہے، خالی 4 کلو لال ہے، باقی 16 کلو مال میں 4 کلو لال ہے، باقی سارا کچا ہے. آنے والے 10 روز کے اندر سانگڑھ میرپور خاص بدین کے اندر ٹماٹر فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں پہنچ جائے گی، جس کے بعد ٹماٹر کے ریٹ میں بڑی حد تک کمی واقع ہوگی. کو کم سے کم سائیں 15 دن لگیں گے یہ میرپور بدین کا اسٹارٹ ٹماٹر ہوگا نا، یہ ریٹ صحیح ہو جائے گا، 100 روپے کلو ہو جائے گا. پھر ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب تک سانگڑھ میرپور خاص بدین کا ٹماٹر. ٹھیک ہے اشفاق سلہری کی ناظرین، یہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر اس سال بھی 100,000 ہیٹرک جو ہے وہ ٹماٹر کی فصل کاشت گئی ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو ٹماٹر 300 روپے کلو ہی دیا جا رہا ہے. گوجرانوالہ سے حاضر خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. گوجرانوالہ میں ایک ہی سرکاری ہسپتال ہے اور وہاں پر بھی سہولیات کا فقدان نظر آ رہا ہے. وہاں پر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کے رویے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. شفقت ندیم کرایہ سے ہم بات کریں گے. شفقت ندیم، کیا بتائیں گے یہ احوال ہمارے ناظرین کو؟ شفقت ندیم گرایہ سے ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے مزید رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم خبر شامل کریں گے بہاولپور سے، جہاں پر محکمہ زراعت بہاولپور کی کرپشن کا جو ہے وہ ہم آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے. عاصم درانی سے ہم بات کریں گے. عاصم درانی، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس وقت ہم بہاولپور جو ہے ایگریکلچر آفس میں موجود ہیں، جہاں پر آج جو ہے بیری کی جو ہے نیلامی یہاں پر ہونی تھی، اور یہ تقریباً 2 لاکھ سے جو ہے 4 لاکھ تک جانی تھی. یہاں پر جب ہم لوگ آئے تو یہاں پول ہو رہا تھا، جس طرح کے طریقہ واردات ہوتا ہے سرکاری دفاتر میں جب کوئی نیلامی یا بولی ہوتی ہے، یہ بولی تھی اور اس کا پول ہو رہا تھا. جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے تو وہ 2 لاکھ کی بجائے 3 لاکھ 3.5 لاکھ سے اسٹارٹ ہوئی، اور تقریباً 6 لاکھ تک یہ جو ہے بولی گئی ہے. 6.75 میں یہ بولی جو ہے کنفرم ہو گئی. ابھی اس وقت یہاں پر ایک اہلکار موجود. السلام علیکم سر، نام کیا؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر عزت بشیر. ڈاکٹر صاحب آج خیر سے بیری کا جو بہت اچھی گئی ہے، صرف ہمیں میڈیا والوں سے یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے ہم سے پرمیشن لے کے نہیں آئے، ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہیڈ کو لیٹر لکھے، یہ بغیر اجازت آئے ہیں، یہ ہم آپ میڈیا والے سے ہمیں شکایت ہے، ہمارا یہ ایشو ہے. ہمیں یہاں پہ پتہ چلا تھا کہ یہاں پر آلریڈی پہلے جو بھی ہے، دیکھیں آپ کو کل کوئی نقصان ہو جائے، فرض کریں آپ میڈیا والے ہیں، کل کو اگر آپ کا کوئی نقصان ہو، آپ کے ساتھ مار پیٹ کرے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کو نہ پکڑے. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں آپ مارنے پیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ تو کرپشن یہاں پہ کرپشن ہمیں بغیر اجازت آئے ہیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اجازت مانگتے تو آپ کرپشن آپ چھپا لیتے. میڈیا والوں کی سیکورٹی کے لیے بازار پولیس کو بھی بلانا پڑ جاتا ہے. ہاں جی بالکل، پولیس کے ساتھ سارا دن ہم کام کرتے ہیں، سارا دن ورکنگ ریلیشن شپ ہماری پولیس کے ساتھ بھی اچھی ہے، اور پولیس والے بھی ہمیں جانتے ہیں.
आप हमें सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पर जो करप्शन हो रही थी उसको एक्सपोज अगर आप मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कभी कोई करप्शन नहीं हुई, ठीक है ना जी। 6,72,000 हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है। हम ये आपके लिए कह रहे हैं कि आप हमसे परमिशन लेके आया करें। ये मीडिया नहीं किसी से परमिशन लेता, इस तरह के मामला में नहीं लेता। नहीं, नहीं, ये कोई बात प्रीमिसेस किसी का घर नहीं है, ये ऑफिस है, पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर मीडिया बिल्कुल किसी से, और करप्शन हो रही थी हमें इतला मिली है और वो ओपन हमारे पास सारी रिपोर्ट। आसिम दुरानी हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। भावलपुर से और वहाँ की सूरत हाल थी नाज़रीन आपके सामने रखी। हासिलपुर से हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर हासिलपुर बिहारी रोड पर पाड़ी खाना पानी खड़ा होने से जो है वो जोहड़ बन गया है। ट्रैफिक और मुसाफिरों को परेशानी का सामना वहाँ पर करना पड़ा है। नईम हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। नईम आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मुख्तारबाद के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर मेन रोड की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह पानी का फ्लो है और किस तरह यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको गुजरने में परेशानी का सामना है। तकरीबन 6 माह से ये ऐसे ही हालात हैं। महकमा हाईवे ने अभी तक इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि जिसकी वजह से इस रोड को जो अभी ताज़ा ही बना था, न्यू कंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन इस रोड की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रोड पर जगह जगह खड्डे बन गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं कि अब उनका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है। जी क्या मुतालबा? हमारा यही मुतालबा है कि इस रोड को सही करें। आए रोज एक्सीडेंट हादसे होते हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। अहकाम बाला से अपील है कि इस रोड को जो है ना तमीर करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के जो मुकामी शहरी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो सड़क है इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। आज इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा इस जगह का दौरा तो किया है, मगर अभी तक ऐसे कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किए जा सके जिससे फौरी तौर पर जो शहरी हैं, गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको कोई रिलीफ मिल सके। इस सिलसिले में जो हुकूमत है पंजाब है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको ऐसे फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे ताकि जो यहाँ से गुजरे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन मियांवाली से हम बात करते हैं, जहां बरसाती पानी के नकास के सिलसिले में जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। और अकरम न्याजी हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करें कि वहां पर एक्चुअल कंडीशन क्या है। अकरम न्याजी आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? इस वक्त मैं खैराबाद शहर, ये नवाई इलाका है और 10,000 आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है, तो यहाँ पर मौजूद हूँ। इस शहर में सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है, और जब भी बारिश होती है तो ये लोग अपने घरों में मुकीद होकर रह जाते हैं। तो मेरे साथ ये इस शहर के लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अकरम भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दिन न्यूज़ के हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी मुश्किलात के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये आपके सामने हमारे जो है पानी का रास्ता है, ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पुली बनी हुई है, तो आगे से ये मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जो है उसकी ये कॉलोनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से ही पानी गुजरने का रास्ता था जो उन्होंने आगे से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पानी पीछे जमा हो जाता है और लोगों को घरों से निकलने में इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो जो जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है सीवरेज का, काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, ये डेंगू के मामला सारे जो है ना इस वजह से मामला ख़राब हैं। तो खुदारा ये हमारे जो मसाइल हैं ये इनको हल किया जाए और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को उसको पाबंद किया जाए कि इनके जो पानी का रास्ता है इसको फिल फोर खोल दिया जाए, और ताकि पानी आगे गुजर कर वो जो आगे पानी के वो तालाब वगैरह बने हुए हैं ताकि वहाँ पर पानी पहुँच सके। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आज खैराबाद के इस जगह पर उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये गुजरगाह है, जो पुली बनाई गई है। यहाँ पर जो है शहर का जो पानी है या सीवरेज का जो पानी है यहाँ से गुजरता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री ने आगे से दीवार इसको तकरीबन बंद किया हुआ है। मैं इस मौके पर यह कहता हूँ कि बारिश में तो बहुत यहाँ पर मुश्किल का सामना पड़ जाता है, इन लोगों को इंतज़ामिया मैपल लीफ वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, बल्कि उनको वार्न करना हूँ कि इस गुजरगाह को फिल फोर खोला जाए या इसका मुतबादल बंदोबस्त किया जाए। जी आपने सुन लिया है कि ये लोग मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं। अकरम न्याजी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे मियांवाली से और वहाँ की सूरत हाल आप हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे। शेखुपुरा से नाज़रीन हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा जो है वहाँ पर इलेक्शन की तैयारियाँ उरूज पर हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर? ये जानेंगे अमजद अली सुल्तानी से। अमजद आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को?
بالکل ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن شیخوپورہ کے الیکشن جو ہیں وہ زور پر ہیں، ان میں گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور آج یہاں پہ وکلا کے ایک بہت بڑے سپیریئر گروپ نے امیدوار برائے صدر چوہری زاہد سعید کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہے احمد ایڈوکیٹ صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم سب نے سپیریئر گروپ والوں نے یونینیمسلی چوہری زاہد صاحب سعید صاحب کو اناؤنس کیا ہے، اور میں چوہری زاہد سعید صاحب کو اور اپنے گروپ کی طرف سے سب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا صدر منتخب ہونے کے بعد اتنا ہی خیال رکھیں گے جتنا کہ تمام نوجوانوں گروپ نے ان کو اناؤنس کیا ہے۔ تھینک یو جی۔ چوہری زاہد سعید صاحب بھی ماسد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جو سب یہ ینگ وکلا جو ہیں وہ پیچھے بھی کافی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی طرف سے، آج بھی نوجوان ہی آپ کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہونے کے بعد ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان نوجوانوں کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، چونکہ نوجوانوں کی کثیر تعداد میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کا کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں، میرے پروفیشنل ایٹیچیوڈ سے بھی واقف ہیں، اور میرے وے آف پروفیشن سے بھی واقف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ان تمام نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے پروفیشن میں صاف ستھری وکالت کی ہے، انشاءاللہ تعالی ان نوجوانوں کو اپنی وکالت میں ساتھ لے کے چلیں گے، ان کے تمام مسائل چاہے وہ بینچ سے متعلقہ ہوں، چاہے وہ بار سے متعلقہ ہوں، چاہے ان کے آفیسز کی کمی ہو، چاہے ان کے باقی معاملات ہوں، انشاءاللہ تعالی ان کو اولین ترجیح پہ نہ صرف حل کیا جائے گا بلکہ ان کو انشاءاللہ تعالی باعزت شہری کے طور پر شیخوپورہ میں بھی جانا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ بار شیخوپورہ تاریخ گواہ ہے کہ ڈسٹرکٹ بار شیخوپورہ نے بڑے مشہور و معروف وکلا صاحبان کو جنم دیا ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی شیخوپورہ بار سے تعلق رکھتا ہوں، اور شیخوپورہ بار اللہ پاک کی رحمت سے پورے پاکستان میں بڑے اچھے نام سے جانی جاتی ہے۔ امجد، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، بات کریں گے ہم ظاہر پیر سے، جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس کا حصول جو ہے وہ پہلے کافی دشوار کن تھا، لیکن اب اسے سہل بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو سکے۔ نادر حفیظ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ نادر حفیظ، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، اس وقت میں ظاہر پیر میں موجود ہوں جہاں پہ موٹر وے پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ظاہر پیر میں پولیس موبائل خدمت مرکز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موٹر وے ڈی ایس پی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس میں موبائل مرکز کا ظاہر پیر کی عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ جی السلام علیکم، جی میں آپ کی وساطت سے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پہلے جو لائسنسنگ کا سلسلہ بڑا پیچیدہ تھا اس کو ہم نے سٹی ٹریفک پولیس کی مدد سے بہت آسان کر دیا ہے، ہماری بھی ادھر موبائل ہوگی، ہمارے افسران بھی ہوں گے اور سٹی ٹریفک پولیس کے بھی، اور اس کے لیے لائسنس کا جو سسٹم ہے اس کا میں بہت آسانی ہے، آپ کو صرف دو تصاویر لانی ہے اپنی اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اس کے بعد ادھر لرنر لائسنس ایشو ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک ڈرائیور جو ہے وہ فل لائسنس والا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس کی موجودگی میں آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھیں گے، اور آپ اس کے 6 ہفتے کے بعد جا کے اپنا اصل پرماننٹ لائسنس جو ہے وہ بنوا سکیں گے۔ جی جیسا کیسا کہ انہوں نے بتایا کہ صرف دو تصویریں اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے، اور آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ہم حویلی لکھا سے، جہاں پر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول موجود ہے لیکن وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، وہاں کی صورتحال آپ کو بتائیں گے، کیا کیا سہولت وہاں پر میسر نہیں ہے؟ نعیم چودھری سے، نعیم چودھری کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی ایک طرف تو حکومت پنجاب تعلیمی میدان میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے دعوے کرتی ہے، تو دوسری جانب حکومتی نظر انداز شدہ سکولوں میں ایک سکول گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول چک رام سرن حویلی لکھا مرکز میں واقع ہے، جس کی نہ تو چار دیواری ہے اور نہ ہی مین گیٹ ہے، بچوں کے پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے، اور اسکول کا جو سین ہے وہ کچا ہے، ہوا کے چلنے سے گرد و غبار کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اہل دیا نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم سے اپیل کی ہے کہ سیکورٹی کا مناسب بندوبست کیا جائے، چار دیواری کی جائے، مین گیٹ لگایا جائے، تاکہ ان کے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح بہتر تعلیم حاصل کرے کر سکے۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظر، بات کرتے ہیں خانیوال سے،
जहां पर पंजाब हुकूमत ने पहले आए और पहले पाए के बुनियाद पर गंदम का मयारी और तस्दीकशुदा बीज सब्सिडी पर फराहम करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे सईद अब्बास भट्टी से। सईद अब्बास भट्टी, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब के किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए एक और ऐसा इकदाम किया जा रहा है। हुकूमत ने गंदम के बीज के ऊपर सब्सिडीज 50% देकर किसानों को बीज फराहम किया जा रहा है, जो कि तस्दीकशुदा और मियारी है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात मंजूर गिल साहब, तो मज़ीद तफ़सील हम उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइए ये जो हुकूमत पंजाब की जानब से बीज के ऊपर सब्सिडीज दी जा रही है, ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरह किसान इसको हासिल कर सकते हैं? जी, ये वज़ीरे आज़म पाकिस्तान ने काश्तकारों के लिए खसूसी तौर पर यह एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है कि वज़ीर आज़म का कौमी प्रोग्राम बराए फ़रोग इजाफी पैदावार गंदम। तो इसके तहत हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत जो है काश्तकारों में 50% सब्सिडी पर बीज दे रहा है। इस साल जो है ये 5 साल मनसूबा है और इस साल महकमा ज़राअत के ज़रिए ज़िला भर में, ज़िला खानेवाल में 12,800 के करीब जो है वो बैग दिए जा रहे हैं, जिसमें से इस साल ज़िला में तकरीबन अब तक 10,000 बैग जो है काश्तकारों में 50% सब्सिडी पर दिए जा चुके हैं। सब्सिडी के असूल के लिए काश्तकारी को ज़रूरी है कि वो महकमा ज़राअत के पास रजिस्टर्ड हों और रजिस्टर्ड काश्तकारों के लिए सब्सिडी की सहूलत मैसर होगी। और ऐसे काश्तकार जिनकी ज़मीन की मलकियत, क्योंकि ये मंसूबा बुनियादी तौर पर छोटे काश्तकारों के लिए शुरू किया गया है, जिनकी ज़मीन की मलकियत 12.5 एकड़ तक है, उनके लिए ये सहूलत दस्तयाब है। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर इसकी तकसीम जारी है। ज़िला भर में इस वक्त जो है 10 मरकज़ हैं, वहाँ पे 10 मराकज़ पे जो है इसकी तकसीम का अमल। ठीक है, सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे शहर खानेवाल से और वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। शोरकोट से नाज़रीन बात करते हैं, जहाँ पर सर्दी में इजाफे के बाद लोगों ने ताज़ा मछली के लिए दरियाओं का रुख कर लिया है। ग़ुलाम शबीर ताहिर हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। ग़ुलाम शबीर, क्या बताएँगे हमारे नाज़रीन को? मैं मौजूद हूं दरिया चनाब के किनारे के ऊपर। फिश बानी, जो फिश पकड़ने का अंदाज है, हर बंदे का अपना अपना होता है। आज यहां पर मेरे साथ कुछ फिश पकड़ने वाले मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़ा जाल लगाकर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि बहुत बड़ा जाल लगाकर ये इस जाल को खींचा जा रहा है और इस एक साथ जो है मछली को पकड़ने का अंदाज एक बहुत खूबसूरत सा अंदाज है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि कुछ लोग इसको दरिया के इस किनारे और उसके दरिया के दूसरे किनारे पर लोग वो खींच रहे हैं इस जाल को, और इसके अंदर फिर फिश आएगी उसको निकालेंगे। आराम से बात करते हैं इनसे कि ये इसमें कितनी मछली पकड़ सकते हैं। हाँ जनाब, आप बताएं कि आप कितनी मछली पकड़ सकते हैं? ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा नहीं है? नहीं अंदाज़ा नहीं। आप ये जो आप जितना जोर लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या नजर आता है? ये आ सकती है 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, 30 किलो तो आ सकती है। हाँ। अच्छा, मेरे साथ एक और भी जो फिश पकड़ने वाले हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, आप इतना जोर लगा रहे हैं और इसको जाल को खींच रहे हैं? मुझे कोई पता नहीं, हम ये रस्सा पकड़ते हैं और खींचते हैं। रस्सा पकड़कर खींचते हैं? अच्छा, आपको कितना आपकी ताकत लगती है इस पकड़ने में? ये अंदाजा नहीं है, आप देख रहे हैं इतनी सर्दी में भी हमें पसीना है। जी इनका ये कहना है कि हम बहुत जोर लगाते हैं, इस जाल को खींचते हैं, मेरे साथ साथ ये चल रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हम अपनी इस। ठीक है, ग़ुलाम शबीर ताहिर हमारे साथ आप मौजूद थे और आप हमें हवाई नाज़रीन को इस हवाले से आगाह कर रहे थे। समुद्री से नाज़रीन बात करते हैं, जहाँ पर सर्दी आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने खुश्क मवाजात की दुकानों का रुख कर लिया है। बात करेंगे फरुख राना से। फरुख राना, क्या बताएंगे हवाई नाज़रीन को? जी बिल्कुल, सर्दी के करीब आते ही लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कुछ मेवाजात की दुकानों का जो है वो रुख कर लेती है। तो सर्दी से बचने के लिए जो है शहरी इन चीज़ों का जो है कुछ मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करने आए हैं यहाँ पर? जी, सर्दी शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की डिमांड बढ़ जाती है, ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत भी होती है, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। सर रेट्स के हवाले से बताइएगा, यहाँ पे चीज़ों के रेट्स कैसे हैं? रेट्स का आपको पता ही है कि सर्दियों की डिमांड के हिसाब से रेट्स बढ़ गए हैं। जी हमारे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, बताइएगा भाईजान, शहरियों का कहना है कि रेट्स जो हैं कुछ मेवाजात के वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस वाले फरुखाना हमारे साथ आप मौजूद थे समंदरी से और वहाँ का अहवाल आप हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे। और पिंडी से नाज़रीन बात करते हैं, जहाँ पर एक जानी पीर ने अपनी ही मुरीद खातून का जो है प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए 22 लाख रुपए लिए और रूपोश हो गया। उस खातून ने थाने में दरख्वास्त दी तो पीर ने जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी। यह हवाला हम जानेंगे, हमारे साथ हैं कंवर शहजाद। कंवर शहजाद, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, रावलपिंडी शहर के अंदर एक बार फिर जाली पीर जो है वो सार उठाने लगे हैं। यहाँ तक के
जाली पीर ने अपने ही मुरीद को जो है वो 22 लाख रुपए का चूना लगा लिया है प्रॉपर्टी दिलवाने के बहाने। ना ही पीर ने मुतासरा खातून को प्रॉपर्टी दिलवाई है और ना ही जो पैसे हैं वो वापस किए हैं। यहाँ तक के एक साल गुजरने के बावजूद मुतासरा खातून ने कई बार अपने पैसों का इसरार किया, लेकिन पीर ने जो है वो जान से मारने की भी धमकियां दी और काला जादू करने की जो है वो भी धमकियां दी। मुतलका जो थाना है, थाना सादिकाबाद में दरखास्त हुई, FIR तो कट चुकी है तकरीबन 4 माह पहले, लेकिन जो मुतासरा खातून है उसका कहना है ताहाल अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, मुलजम को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासरा खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से पीर ने उनसे 22 लाख की इतनी बड़ी रकम जो है वो ले ली, वो रकम जो है वो हथिया ली और उसके बाद इनको प्रॉपर्टी जो है वो भी नहीं दिलवाई। अच्छा मैम, क्या कहेंगे किस तरह से एक जैली पीर के हथे आप लोग चढ़ गए, पूरे खानदान को जो है सारी जिंदगी की जमा पूंजी पीर जो है वो ले उड़ा। दरअसल ये फ़र्क पीरजादा जो कि चक्राली शरीफ गुलाम अकबर के पीर हैं, ये कलर सैदा के रिहायशी हैं, इनका हमारे घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था और हम पूरी फैमिली इनकी मुरीद रह चुकी हैं। इनसे तावीज़ लेना, दम करवाना एक मामूल सी बात थी। इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी का झांसा दिया, इन्होंने मुझे कहा कि आप 20 लाख रुपया मुझे दे दें, मैं आपको 45 लाख रुपए का प्लॉट दूंगा जो कि चंद महीने के अंदर बेच के सेल करके आपके अमाउंट में आपको वापस कर दूंगा। जब मैंने इनसे 1 महीने बाद अपनी रकम का तकाजा किया, इन्होंने टाल बटोल कर दी और उसके अवैस मुझे एक चेक दे दिया, जिस चेक को मैं आज 5 महीने से FIR कटवा चुकी हूँ। चेक लेने के बाद जब मैंने इनसे रकम का तकाजा किया तो इन्होंने मुझे मारने की, अगवा करने की, कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये 4 भाई हैं जो कि फरक पीरजादा, हारून पीरजादा, रिजवान पीरजादा, बाबर पीरजादा, ये सब मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स करते हैं और मुझे धमकियां देते हैं और डराते हैं और मारने की धमकियां देते हैं। FIR को आज 5 महीने हो चुके हैं, मैं थानों के चक्कर काट काट के मैं थक चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती थानों में, सिवाय दोस्ती के, सिवाय चाय पीने के ऑफर्स के और कोई बात नहीं। मैं CPO के ऑफिस में भी जा चुकी हूँ, मैं ASP के ऑफिस में 3 दफा जा चुकी हूँ, मैंने 8787 पे भी 3 दफा कॉल्स की, मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा मैम, आपने बहुत बड़ी बात की है कि आप मुतलका थाने में भी गए हैं, वहां पर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा वो लोग आपकी, आपके साथ दोस्ती की भी डिमांड करते हैं। आप ASP के पास गए, आप CPO के पास गए, आपने वहां पर जाकर ये बात की है? सर मैं वहाँ पे किस तरह बात करूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जब मैं जाती हूँ सामने, मुझे वो लूज टॉकिंग करते हैं, गलत बातें करते हैं, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती, मैं अब मजबूर हूँ। आप CPO से मिले, आप ASP से मिले? नहीं, मैं ASP से मेरी मुलाकात हुई है, 3 दफा मुलाकात हुई है। ASP ने मेरे कहने पे SHO को भी थाने में बुलाया, लेकिन SHO के पास मैं जब भी जाती हूँ SHO मुझे टाल बटोल कर देते हैं। तफ्तीशी के पास जाती हूँ तो वहाँ सिवाय चाय और बिस्किट के मुझे कुछ भी नहीं मिलता। सर खुदारा मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। दोस्ती की डिमांड आपसे कौन कर रहे हैं? सर दोस्ती की डिमांड इस इदारे में मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, चाहे वो CPO का ऑफिस हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तफ्तीशी हो, हर जगह मुझे दोस्ती की ऑफर्स आ रही है, मेरे पास व्हाट्सएप है, लेकिन सर मैं अब थक चुकी हूँ, ना मैं दोस्ती कर सकती हूँ। ठीक है, कवर शहजाद हमारे साथ आप मौजूद थे रावलपिंडी से, और वहाँ की सूरतहाल जो इस खातून की थी वो हमारे नाज़रीन के सामने आप रख रहे थे। सरगोधा से नाज़रीन आप बात करते हैं, जहाँ पर रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस ने गैस मीटर्स कनेक्शन में करप्शन के हवाले से इकदाम तेज़ कर दिए हैं। हाफिज़ मोहतसम हमारे साथ हो गया, मोहतसम क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? सरगोधा प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने आपको मैं बता दूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं रीजन मैनेजर जनाब उमर हयात साहब सुई गैस नॉर्दर्न के। इनका यहाँ पे आना और अवामी शिकायत के अजाले के हवाले से जो पॉलिसी है वो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये हाल ही में तैनात हुए हैं, इतना ज़्यादा अर्सा यहाँ पे सरगोधा में नहीं हुआ, तो यहाँ पे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। प्रेशर की कमी का सामना है, गैस प्रेशर की कनेक्शन के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, तो इनसे जानते हैं इनकी क्या पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह है कि जो प्रेशर की कमी की आपने बात की है वो तो ऐसी बात नहीं है, इस वक्त हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पे भी लो प्रेशर नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई शिकायत आती है तो उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। बाकी जो आम पब्लिक के मसाइल हैं, मेरे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं, वो जिस वक्त चाहें आ सकते हैं, जब चाहें आ सकते हैं। अगर किसी का कोई बिलिंग का इशू है,
किसी को मीटर इंस्टॉलेशन का इशू है, सारे कामों पे प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। उमर हया साहब का कहना है कि मेरे दरवाजे साइलिन के लिए खुले हैं, गैस प्रेशर का या इवन कोई भी मसला हो डायरेक्ट मुझसे रब्ता किया जा सकता है। तो इस हवाले से रीजनल मैनेजर जो है वो तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। मुत्सिम हमारे साथ आप मौजूद थे नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में। एक मुस्तफाबाद से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहाँ पर आस्ताना आलिया नकीबाबाद शरीफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ है। हमारे साथ इमरान सल्फी की रिपोर्ट है हमारे पास, आइए रिपोर्ट देखते हैं। आलिया नकीबाबाद शरीफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सूफी मोहम्मद असदुल्लाह शाह की ज़ेर सदारत मुनक़द हुई। तकरीब में साबका वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू, साबका मशीर वज़ीर आला पंजाब एम पी ए व एम पी ए चौधरी लियास खां, एम एन ए मुस्लिम इकनून साद वसीम शेख, रिटायर एस एस पी गुलाम मोहम्मद कलियार व दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुल्क भर से आने वाले नात ख्वां हजरात ने हदिया नात, उलमा कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खिताब, जबकि अकीदतमंदों ने अपने अपने अंदाज में हाजिरी पेश की। मरूफ नात ख्वां अलहाज साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी ने कराची से महफल में खसूसी शिरकत की। दरबारी कवालों ने भी अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश किया। सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सूफी मोहम्मद असदुल्लाह शाह ने बजरिया कुरान दाजी हाजरीन महफल में 10 उम्रा के टिकट तकसीम किए। तकरीब में सियासी समाजी जमातों के नुमाइंदों, मरीदैन, अकीदतमंदों, अहल इलाका और साफियों ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर साबका वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू ने दैन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशले राह हैं। हुज़ूर की हस्ती जो है वो आलम इस्लाम के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बायस रहमत है, और आप रहमतुल्लालमीन हैं, आप रहमतुल्मुसलमीन नहीं हैं, रहमतुल्लालमीन हैं, जिससे तमाम मकात पे फिक्र के लोग मुसलमानों के अलावा भी, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, जिस भी मकत पे फिक्र से उनका तल्लक है, हजूर उन सब के लिए रहमतुल्लालमीन बन के आए हैं, सब के लिए। रिपोर्ट देखिए आपने मुसाबात से। प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेकबाद।